नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में होंगे राजनीतिक व धार्मिक आयोजन, स्कूल आएगा स्टाफ, मंदिर नहीं खुलेंगे। हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6000 पार, आज दो ने तोड़ा दम, ऊना में SHO पॉजिटिव। डॉक्टर सविता शर्मा होंगी वन विभाग की बॉस, इस पद पर बैठने वाली पहली महिला अधिकारी। मार्च की 10वीं और 12वीं SOS की प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट छात्रों को विशेष अवसर। DEIED CET स्पोर्ट्स कैटेगरी काउंसलिंग की तिथियां घोषित। सराहा अस्पताल को कोरोना टर्जरी बनाने के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। हणोगी बांधी सड़क बहाल न होने पर ग्रामीण भड़के, विधायक व अधिकारियों का घेराव। मंडी में होगी शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं की सेना में भर्ती 6 को। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। राजनीतिक व अन्य सभाओं की अनुमति दे दी गई है, लेकिन 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों में अभी तक 50 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक थी, अभी से बढ़ा दिया गया है। शिक्षण संस्थानों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने पर रोक लगा दी है। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश में सभी कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जबकि बाकी स्थानों पर एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पर्यटन के लिए पूरी तरह से द्वार खोल दिए हैं, जबकि हिमाचल में अभी भी 96 घंटे पूर्व के टेस्ट के साथ ही पर्यटक प्रवेश कर सकेंगे और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोरोना रिपोर्ट में छूट जारी रखी गई है। हिमाचल सहित पूरे देश में कल से अनलॉक 4 शुरू होने वाला है। केंद्रीय गाइडलाइन के बाद हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक 4 को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी। स्कूलों में 50% टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग व टेली काउंसलिंग व अन्य कार्यों के लिए स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्टाफ को बुलाया जा सकता है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों, कंटेनमेंट जोन से बाहर को स्कूल जाने की मंजूरी होगी। वे अपने शिक्षकों से दिशा निर्देश ले सकते हैं। इसके लिए अभिभावकों व परिजनों की लिखित मंजूरी जरूरी है। ये आदेश 21 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। सरकारी ऑफिस भी 8 जून को जारी गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। कोरोना को लेकर हिमाचल में आज का दिन अब तक अच्छा नहीं रहा है। एक तरफ जहां कुल आंकड़ा 6000 पार हो गया है, वहीं आज 2 कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा है। शिमला में सिरमौर जिला के कोरोना पॉजिटिव के दम तोड़ने के बाद अब हमीरपुर में भी एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। हमीरपुर की कोरोना पॉजिटिव महिला ने टांडा में दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना से मौत का आंकड़ा 35 पहुंच गया है। इसी माह 23 कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा है। हिमाचल में आज अब तक पिछले कल 9 बजे के बुलेटिन के बाद 93 मामले सामने आए हैं। इसमें ऊना में 28, चंबा में 15, कांगड़ा में 13, हमीरपुर, कुल्लू व सिरमौर में 10-10, शिमला में 5 व मंडी में 2 मामले आए हैं। अब तक 44 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें हमीरपुर में 18, चंबा में 12, शिमला में 7, कांगड़ा में 3, लाहौल स्पीति व सिरमौर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 6038 पहुंच गया है। अभी 1507 एक्टिव केस हैं। अब तक 4456 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग को आज नया प्रधान मुख्य अरण्यपाल PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मिल गया है। इस पद पर 1985 बैच की IFS डॉक्टर सविता शर्मा की नियुक्ति हुई है। सविता शर्मा के PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनने से हिमाचल वन विभाग को पहली बार महिला हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मिली है। डॉक्टर सविता वर्तमान में PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अजय कुमार की पत्नी हैं और PCCF वन्य जीव का पद संभाल रही हैं। अजय कुमार आज रिटायर हुए।
जाहिर है कि पिछले हफ्ते 24 अगस्त को नए PCCF की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की बैठक हो चुकी है। वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सविता का नाम लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि उनके साथ 1986 बैच की अर्चना शर्मा के नाम पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सविता को इस पद पर तैनाती दी गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय SOS के अंतर्गत मार्च में ली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे छात्रों को एक विशेष अवसर प्रदान किया है। ऐसे अभ्यर्थी सितंबर में प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं कक्षा साइंस की प्रैक्टिकल परीक्षा 7 व 8 सितंबर को होगी। होम साइंस, कंप्यूटर साइंस व आर्ट बी की 9 सितंबर को, 12वीं फिजिक्स की प्रैक्टिकल परीक्षा 7 सितंबर, केमिस्ट्री की 8, बायोलॉजी, HE एंड FSC होम साइंस की 9, कंप्यूटर साइंस की 10, जियोग्राफी की 11, फिजिकल एजुकेशन की 7 से 10 सितंबर तथा अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट की 7 सितंबर से 11 सितंबर तक होगी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2020-22 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2020 की SC स्पोर्ट्स, ST स्पोर्ट्स व OBC स्पोर्ट्स कैटेगरी की काउंसलिंग की तिथि तय कर दी है। काउंसलिंग 7, 8 व 9 सितंबर को बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें कुल 162 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के साथ आयोजित होगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षार्थी बायोडाटा फॉर्म भरकर अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कैटेगरी, उप कैटेगरी, अन्य प्रमाण पत्र साथ लाए। जिला सिरमौर के सराहा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को कोरोना टर्जरी बनाने के विरोध स्वरूप आज सैकड़ों लोगों ने सिविल अस्पताल के बाहर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया। पिछले एक सप्ताह से पच्छाद क्षेत्र की ये चर्चा आम हो रही थी कि नाहन शिमला से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरा सराहा सिविल अस्पताल को टेक ओवर करने के निर्देश दिए हैं, जिसके विरोध में आज लोगों ने अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पंचायत प्रधान नरेंद्र गोसाई की अध्यक्षता में SDM ऑफिस में उनकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार के माध्यम से CM को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना जैसी महामारी का इलाज होना भी जरूरी है, मगर सराहा अस्पताल में केवल कोरोना का इलाज हो और पच्छाद क्षेत्र की 30 पंचायतों की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया जाए, ये जनता को स्वीकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित द्रंग हल्के की हणोगी बांधी सड़क बहाल न होने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने आज सुबह 4 लेन का निर्माण कार्य कर रही एफकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों व स्थानीय विधायक जवाहर ठाकुर का घेराव किया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चेताया कि अगर सड़क जल्द बहाल नहीं हुई तो मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हणोगी में चक्का जाम करेंगे, 4 लेन का काम रोक देंगे। ग्रामीणों ने मार्ग बहाली के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी व प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीण 6 माह से कंस्ट्रक्शन कंपनी से वैकल्पिक मार्ग का निर्माण होने तक कटिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, मगर किसी ने उनकी मांग पर गौर नहीं किया।
मंडी के पड्डल मैदान में 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का आयोजन किया जाएगा। निदेशक सेना भर्ती कर्नल तनवीर सिंह मान ने बताया कि ये भर्ती सैनिक तकनीकी पुरुष, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक एटी पुरुष, सैनिक तकनीकी उड्डयन एक्स ग्रुप पुरुष तथा सैनिक तकनीकी उपचार सहायक एनए पुरुष पदों के लिए है। उन्होंने बताया कि मापदंड और योग्यता के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी 6 अगस्त 2020 की अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देखें। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।